तो भाई निफ्टी 50 में देखो क्या करना है कल के दिन। सबसे पहले इस लेवल पे देखो, अगर मार्केट कहीं इधर कहीं खुलता है ना भाई, तो इधर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, अगर कहीं बीच में खुलता है तो ठीक है, शॉर्ट हम इस लेवल के नीचे ही करेंगे। क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ से एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था ना, इनसाइड कैंडल बना करके एक ब्रेकआउट यहाँ से आया था, फिर कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट आया था। तो ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम शॉर्ट का प्लान भी करेंगे तो इस लेवल के नीचे देखेंगे ठीक है। और पहला टारगेट हम ये रख सकते हैं अगर हम शॉर्ट गए तो, कहीं बीच में खुलता है तो कोई शॉर्टिंग नहीं होगी। और दूसरा शॉर्ट का प्लान हम कहाँ से कर सकते हैं, आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलता है इस लेवल के ऊपर, छोटा सा फ्लैट खुलता है और यहाँ पर छोटा सा रेड कैंडल बनाता है, तो एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, टारगेट यही रख सकते हैं ठीक है। तो शॉर्ट का भाई प्लान बीच में कहीं नहीं करना है और ना ही यहाँ कहीं करना है, अदरवाइज फंस जाएंगे, ना ही यहाँ कहीं करना है ठीक है। शॉर्ट का प्लान इस यहाँ पर कर सकते हैं अगर छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है तो, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे। ये तो शॉर्ट का प्लान यहाँ कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ रख सकते हैं ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देख ली, अब इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं जहाँ मार्केट कल के दिन अप्रोच कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है गैप बॉर्डर, अगर आप एक घंटे के चार्ट पे जाओगे ना तो आपको पता लगेगा। चलो आज मैं बता ही देता हूँ आपको ठीक है ये कैसे देखना है। तो एक घंटे के चार्ट पे चलते हैं, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे मार्क किया था मैंने ये लेवल, देखो यहाँ पर एक, और यार सॉरी लेवल हिल गया, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो ये देखो ये गैप क्रिएट हुआ था ना यहाँ पर, ये मार्केट यहाँ क्लोज था और ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, आधा गैप फिल हो चुका है यहाँ तक, लेकिन अभी भी ये गैप रह रहा है। तो मार्केट ने इसको अप्रोच किया है, कल अगर इसको तोड़ता है तो हो सकता है अच्छी रैली आपको ऊपर की ओर दिखे। लेकिन कल का मेरा अनुमान क्या है, चलो पहले 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं फिर समझते हैं कल का अनुमान क्या है। कल का भाई मुझे क्या लग रहा है ना, मार्केट हो सकता है गैप अप खुल जाए ठीक है, और हो सकता है फिर साइडवे हो जाए। क्योंकि आज की जो रैली हुई है ना यार, जनरली देखा जाता है जब भी मार्केट एक दिन पहले ऐसा मूवमेंट करे तो उससे अगला डे ना कुछ इस तरीके का हो जाता है। सो उम्मीद तो है कि कुछ ऐसा हो सकता है, बट देखो बी रेडी विद लेवल, जो भी होगा देखा जाएगा ठीक है। दिस गो विद दिस एटीट्यूड, ओके, रेडी फॉर बोथ साइड। बस ये ध्यान रखना शॉर्ट करना है तो यहाँ पर, अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, लेकिन यहाँ कहीं नहीं, यहाँ कहीं नहीं, यहाँ कहीं नहीं, इसके नीचे देख सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड प्राइस एक्शन देख करके ठीक है। और नीचे के लेवल कौन से हैं, नीचे के लेवल यार जो आज के दिन मैंने मार्क नहीं कराए थे, जो आज कैसे ट्रेड करना था कल के मार्केट एनालिसिस में, तो ये वही वाला लेवल है, इसको हमें रखना ही पड़ेगा ध्यान में। एक बार और बता देता हूँ जो नए बंदे हैं ठीक है, तो इसकी रेंज देख लो आप, अगर चाहो तो मार्क कर लो। तो ये देखो यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया था ना, तो इसलिए हमने इसको मार्क कर लिया था एक बीच की रेंज ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है, इसके नीचे टूटता है तो सेलिंग आ सकती है ठीक है। तो कल की उम्मीद ये है कि मार्केट ऊपर ही रह जाएगा, उधर कहीं जाएगा नहीं। सो ये सारे लेवल आप मार्क कर लो ठीक है, अगर आप चाहो तो ठीक है। तो ये हैं सारे लेवल कल के लिए जो हम कल के दिन देख रहे हैं, बस यही है कि यहाँ कहीं बीच में शॉर्ट नहीं करना, यहाँ नहीं करना, बाकी जैसे आप ट्रेड लेते हो नॉर्मली वैसे लेना ठीक है। तो भाई बैंक निफ्टी में क्या प्लान है, अगर मार्केट कहीं बीच में खुलता है जहाँ पर क्लोज हुआ है, तो ना ही हम लॉन्ग जाएंगे ना ही शॉर्ट जाएंगे ठीक है। तो प्लान क्या है यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर तो इस लेवल के ऊपर लॉन्ग देखेंगे ठीक है, यहाँ पर कहीं देखेंगे लॉन्ग, क्योंकि यहाँ से देखो एक ब्रेकआउट लेवल था ये भी हमारा ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो एक लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है, टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। और अगर शॉर्ट जाना है तो इस ब्रेकआउट लाइन के नीचे ही जाएंगे, एक बार देख लेते हैं ये येलो लाइन है क्या, तो एक बार देखते हैं रुको। तो यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट आया था और ह्यूज ब्रेकआउट आया था ठीक है। तो अगर कल के दिन आता है और यहाँ से नीचे तोड़ता है तो हम देखेंगे, अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होते हुए तोड़ता है ना तो ट्रेड ज़्यादा अच्छा होगा, या ऐसे तोड़ता है डायरेक्टली तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये ट्रेड ज़्यादा अच्छा होगा अगर कंसोलिडेशन के साथ तोड़ता है तो ठीक है। तो ये हम चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम अगर शॉर्ट करना है तो बीच में से नहीं करेंगे शॉर्ट, यहीं से करेंगे, यहाँ कहीं नहीं करेंगे, या यहाँ से करेंगे इस एक्सट्रीम रेंज से, ये जो आज का हाई है ना इस लेवल से शॉर्ट करेंगे। अगर छोटी सी रेड कैंडल बनती है, रिस्क छोटा सा हो तभी करेंगे और रिवॉर्ड बड़ा हो तभी करेंगे ठीक है। तो ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, बाकी और जो लेवल कल के दिन अच्छे से एक्ट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं, अगर हम उनको अप्रोच कर पाए तो, नहीं तो अगर मार्केट साइडवे हो गए तो शायद अप्रोच भी ना कर पाए। तो ये है आज का लो, ये है आज का हाई, तो आपको ये समझ आ गया। नीचे की ओर आ जाओ, ये जो है ना गैप बॉर्डर, अभी भी ये हमारा गैप फिल नहीं हुआ है जो गैप क्रिएट हुआ था, ये देखो यहाँ पर, ये एक सेकेंड, ये जो गैप क्रिएट हुआ था ना यहाँ पर, ये देखो ये जो गैप क्रिएट हुआ था गाइज, यहाँ से यहाँ तक इतना ही फिल हो पाया, यहीं तक फिल हुआ है, दिखाता हूँ कहाँ पर, ये देखो यहीं तक फिल हुआ है ठीक है। तो इतना सा अभी भी रह रहा है, सो इसलिए हमने इसको मार्क किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आज भी जिंदा है ये लेवल ठीक है।
वैसे मुझे नहीं लगता ये इतना दूर अप्रोच करेगा, इतना ज़्यादा फॉल दिखेगा। अगर दिखता है तो वो लेवल हमें मिल सकता है। अप साइड में हमें कौन सा लेवल देखना है? ये वाला लेवल देखना है, इंपॉर्टेंट है ये लेवल, ठीक है। यहाँ से बहुत समय पहले कहीं सेल ऑफ आया हुआ था मार्केट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर सेलर बैठे हो सकते हैं अगर दोबारा से अप्रोच मारता है इस लेवल को तो, ठीक है। तो समझ आ गया आपको सारे लेवल, बस इस बात का ध्यान रखना कि आपको कहीं यहाँ खुलता है तो सेल नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सेल इसके नीचे ही करना है और सेल यहाँ से मार सकते हैं, टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। बाकी इसके ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी, लेकिन कल के दिन लग रहा है मार्केट थोड़ा साइडवे हो सकता है, ठीक है। हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर रेडी विद लेवल्स, हम सारी स्ट्रैटेजी के साथ तैयार हैं। और आज के दिन कैसे ट्रेड करना था मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया, तो इसको आप देख लेना बाद में। तो सबसे पहला स्टॉक देखो कौन सा है, सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेस, 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है हमने और ये लेवल हमने मार्क किया हुआ यहाँ पर जो क्लोजिंग लेवल था। अगर आपको देखो लॉन्ग जाना है, कल मार्केट फ्लैट खुल जाए अगर और आपको लॉन्ग जाना है, तो लॉन्ग का प्लान इस लेवल के ऊपर ही किया जा सकता है। अगर आपके कोई भी जो भी स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल करते हो या प्राइज एक्शन या इंडिकेटर, अगर वो लॉन्ग के सिग्नल देते हैं इसके ऊपर तो ही जाना, अदरवाइज ये लेवल आपको रोक सकता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर शॉर्ट जाना है तो इस लेवल के नीचे जाना है, और मान लो मार्केट साइडवे हो जाता है इस रेंज के अंदर, तो यहाँ फिर आप रेंज ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि बाय लो सेल हाई का प्लान कर सकते हो, नहीं तो ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, वो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी अच्छे मूवमेंट दे सकते हैं कल के दिन, इसके बाहर काफ़ी अच्छे आपको रैली दिख सकती है जो हमने ये वाली लाइन मार्क कर रखी है, ठीक है। और सेलिंग के लिए जो अगर अच्छी सेलिंग चाहिए तो इसके नीचे दिख सकती है, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिए। अगला स्टॉक हम देखते हैं वो कौन सा है, तो अगला स्टॉक है भाई हमारा मैकडोवल, यानी कि यूनाइटेड स्प्रिट। आजकल दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री में बट रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर फ्लैट खुलता है मार्केट और बाइंग के मौके देता है आपको, अगर बाइंग के मौके मिलते हैं कोई प्राइज एक्शन बनता है तो यहाँ पर जा सकते हैं पहला टारगेट, और अगर सेलिंग के मौके मिलते हैं तो आप इसके नीचे ही सेल करना, उससे पहले सेल मत करना, लेकिन प्राइज एक्शन देख लेना, पहला टारगेट ये रख सकते हैं। और इसके नीचे और अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। प्राइज एक्शन देखना वहाँ पर, अपना इंडिकेटर देखना, जो भी स्ट्रैटेजी करते हो, जरूरी नहीं प्राइज एक्शन देखो, इसके ऊपर भी देखना, यहाँ से अच्छा खासा आपको बाइंग मिल सकता है। ये ब्लू वाला देख लेना क्योंकि यहाँ से ना काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया होता है, इसलिए मैंने ये लाइन मार्क कर रखी है। सो अब हम देखते हैं जो कल मैंने स्टॉक दिए थे उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस करी है और उनको कैसे ट्रेड करना था जो हमने लेवल मार्क किए थे। तो यहाँ पर देखो हमने ये तीन लेवल मार्क किए थे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यूपीआई एसीसी के अंदर, ठीक है। एसीसी में देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट हमने बोला था कहीं फ्लैट खुले, अगर ऐसा कुछ हो यहाँ कहीं फ्लैट खुले, थोड़ा सा लॉन्ग वॉन्ग का मौका देख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट हम इसके नीचे ही देखेंगे। देखो क्या हुआ, शॉर्ट यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है इतनी बड़ी सी, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर मार्केट एकदम अचानक से आकर के तोड़ देना तो इसको कहते हैं पैराबोलिक ब्रेकआउट, ठीक है। यानी कि ये जो होता है फेल हो सकता है, और आज वैसा ही हुआ, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा आज तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, चलो मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ, पैराबोलिक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था इसके अलावा एसीसी के अंदर, और अगर लेना भी था अगला ट्रेड तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था, मैं नहीं कहूँगा कि आपने शायद लिया हो कि नहीं, ये डब्लू पैटर्न, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने लिया होगा यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अच्छा ट्रेड था यहाँ पर, देख पा रहे हो, क्योंकि ये येलो लाइन पर सपोर्ट मिला था जो हमने कल के दिन मार्क किया था, स्टॉप लॉस यहाँ रख के काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिला होगा। लेकिन मुझे लगता आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं लिया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी ने लिया था तो, कूडोज यार आप काफ़ी अच्छा सीख रहे हो, ठीक है। तो अगला देखो यहाँ पर हमने यूनाइटेड स्प्रिट नहीं, सॉरी, हमें देखना कौन सा दिया था यार मैंने, तो वो था IEX, अपना IEX में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो कैसे ट्रेड करना था, इसमें तो भाई काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला हमें। यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे, ये लेवल हमने कहा था इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती तो शॉर्ट करेंगे, और इसके नीचे एक शॉर्ट का अच्छा मौका हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो यार ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई थी ना पहली वाली, अगर हम यहाँ शॉर्ट करते तो स्टॉप लॉस कहीं यहाँ रखते काफ़ी बड़ा हो जाता, ठीक है। तो क्या करना था, जब ये सेकेंड कैंडल पर थोड़ा लौट करके ऊपर आया ना तो शॉर्ट करना था, और ये अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और मान लो आपने यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया, यहाँ नहीं किया, तो शॉर्ट कहाँ मिल सकता था, जब ये दोबारा यहाँ पर इसने ये रेड कैंडल बनाया ना, हमने कहा था इसके नीचे अच्छा शॉर्ट आ सकता है, इसके नीचे आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला होगा अगर आपने आज के दिन लिया है तो, इतना सा रिस्क इतना बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा डे रहा होगा आपका, स्टॉप लॉस भी हिट हुए कुछ और टारगेट भी हिट हुए, तो ओवरऑल आप आई होप आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आपने ढंग से ट्रेडिंग करी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।